निषाद आर्मी के अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण की मांग करते हैं, जबकि निषाद पार्टी का भाजपा से गठबंधन है और उनके पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा से ही सांसद हैं। इसके बावजूद आरक्षण की मांग पूरी नहीं हो रही है। रविंद्र निषाद ने कहा कि डॉक्टर संजय निषाद समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है तो वे पार्टी से अपना गठबंधन और अपने पुत्र प्रवीण निषाद का भाजपा से इस्तीफा दिलाने का काम करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निषाद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र निषाद ने कहा, रविंद्र निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद आर्मी, हम निषाद समाज के जो रैली आज 13 तारीख को संकल्प दिवस मनाया जा रहा है डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा, तो डॉक्टर संजय निषाद जी समाज को भ्रमित करके, गुमराह करके, केवल भीड़ जुटा करके और भीड़ जुटा करके सपा बसपा भाजपा या किसी भी दल में वो केवल अपना समझौता करने के लिए, भजाने के लिए, इस भीड़ को दिखाने के लिए संकल्प दिवस एक बार मनाया जाता है। हमारा जो निषाद समाज है वो बहुत ही अड़िग है और हम जो संकल्प ले लेते हैं वह संकल्प को पूरा करते हैं। ये हमेशा संकल्प करते हैं, अगर हमारे समाज को आरक्षण, हमारे समाज का जो आरक्षण है हमको लेना है, तो हम इस समय केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में अगर हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, गठबंधन है तो हमको आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है। और यह जो संकल्प रैली इन्होंने रखा है तो ये निषाद आर्मी के डर के नाते और उनको भय है कि हम पीछे हो रहे हैं निषाद आर्मी से, इसलिए उन्होंने इसको, इस संकल्प दिवस को श्रृंगवेरपुर में न मना करके गोरखपुर में मनाया है। अगर वो समाज को गुमराह नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, न कर रहे हों, तो पहले जो अपने भाजपा के सांसद जो बेटे हैं उनके, पहले उनका इस्तीफा दिलवाएं, उसके बाद आरक्षण की मांग करें। अगर आरक्षण तो हमारा अधिकार है, वो तो हमको लेना है, वो तो हम निषाद आर्मी अपने संगठन के माध्यम से हम लोग अपने द्वारा लिया जाएगा, परंतु ये जो कहते हैं कि हम भाजपा से गठबंधन में हैं, तो पहले ये अपने बेटे का सांसद जो इस्तीफा दिलवा करके उसके बाद कोई बात करें। हम बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, अगर हम अपने समाज को यह कह करके हम भाजपा से गठबंधन में हैं और भाजपा का इसमें सरकार है और एक बेटा उनका भाजपा से सांसद है, आप अगर कोई निषाद किसी अन्य दल से, सपा बसपा भाजपा किसी से लड़ता है चुनाव, तो कहते हैं कि वो निषाद नहीं है, उसको हरवाने का काम करते हैं, और आपका बेटा किसी भी पार्टी से लड़ता है तो वह निषाद है और उसको जितवाने का काम करते हैं। तो यह एक परिवारवाद ना हुआ? आप परिवारवाद नहीं करते हो अगर, तो अपने बेटे को पहले इस्तीफा दिलवाएं, तब न समाज मानेगा कि हमारा आरक्षण अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है तो हम अपने बेटे का इस्तीफा दे करके अपने समाज के साथ आ गए हैं।